दोस्तों नमस्कार। फाइल्स के मरीज हमेशा ऑपरेशन के अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं और इसी चीज़ का कुछ डॉक्टर फायदा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाओगे और आपको पहले से फाइल्स है या फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको फाइल्स है, फिशर है, फिस्टूला है और आपको ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहला रिप्लाई आपका यही रहेगा कि नहीं सर, ऑपरेशन नहीं करवाना है। और ये बहुत कॉमन है, हर कोई ऑपरेशन से डरता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करता, एक इंजेक्शन लगाता हूँ लैट्रिन की जगह पे, या कुछ एक धागा बांधता हूँ, या जो भी एक मैं दवाई डालना चाहता हूँ उस जगह पे, तो आप शायद तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो कुछ भी प्रोसीजर वो करने जा रहे हैं उसका आपके लैट्रिन की जगह पर क्या असर होने वाला है। अक्सर आप यही सोच के डरते हो कि ऑपरेशन करने से बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत दर्द होने वाला है, ऑपरेशन करने से आपके पैसे भी जाने वाले हैं और ऑपरेशन करने से कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला। ये तीन चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, इसलिए आप कहते हो कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन जब डॉक्टर आपको कहता है या कोई क्लिनिक वाला आपको कहता है या कोई आजू बाजू का पड़ोसी आपको कहता है कि नहीं इंजेक्शन थेरेपी ठीक है, आप वहाँ पर जाके इंजेक्शन लगवा लो, नहीं ये ठीक है, जड़ी बूटी खाना ठीक है या जड़ी बूटी वो जगह पर लगाना ठीक है, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हो। तब आपको बिल्कुल ये समझ भी नहीं आता कि इससे दर्द तो नहीं होगा, इससे आपके पैसे तो नहीं जाएंगे, इससे आपका रिजल्ट बराबर है कि नहीं है, ये बिल्कुल आप सोचते नहीं। आपको बस यही दिखता है कि भैया मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ। तो ये सरासर गलत है। ये कैसे गलत है, देखिए अगर आप उस जगह पर इंजेक्शन लगाते हैं तो जनरली ये स्क्लेरोजिंग एजेंट रहते हैं जो उस जगह को कड़क करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, किसी ने आपको पाइल्स की ब्लीडिंग के मस्से में या जो भी आप बोलेंगे उसमें पाइल्स के, जनरली हम उसको टैग बोलते हैं, इंटरनल हीमोराइड बोलते हैं, एक्सटर्नल हीमोराइड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपके लैंग्वेज में आप जो भी बोलते हैं, उसमें अगर उसने इंजेक्शन लगा दिया तो उससे उस जगह का कड़कपन बढ़ेगा, वहाँ की नसें डैमेज हो जाएंगी, आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ये टेम्पररी रिलीफ आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद, दो दिनों के बाद, दो महीने के बाद आपकी लैट्रिन की जगह कड़क बन जाएगी, यानी आपको लैट्रिन की जगह खुलने में दिक्कत आने लगेगी। इसका मतलब वो जगह अभी फाइब्रोस हो गई, वो इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट है। फाइब्रोसिस होना यानी लैट्रिन की जगह कड़क होना, लैट्रिन की जगह आपकी जो सफिशियंट पहले से खुल रही है वो भी नहीं खुलेगी, तो ये आपके इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है जो आपको डॉक्टर कभी बताएगा नहीं। आपके आजू बाजू के पड़ोसी जो आपको ये सलाह देते कि वहाँ पर जाके इंजेक्शन लगवा लो, उनको भी नहीं मालूम रहेगा या फिर भी वो बताएंगे नहीं। ये जो पेशेंट इस तकलीफ से गुजर चुके हैं वो भी कभी आपको ये नहीं समझाएंगे कि इंजेक्शन मतलब भाई साहब ये बिल्कुल काम नहीं करता। सिर्फ कुछ केसेस जो 30-40% या 20% केसेस जिनको रिलीफ मिलता है या जिनका फाइब्रोसिस नहीं होता, जिनकी लैट्रिन की जगह छोटी नहीं होती, ऐसे ही लोग पूरे गांव में ये बातें फैलाएंगे कि ये बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। लेकिन जो 80-70% लोग जिनका एनल कैनल डैमेज हो चुका है, जिनका मतलब लैट्रिन करना दुश्वार हो गया है, जिनको लैट्रिन करने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, वो कभी आपको नहीं समझाएंगे या बताएंगे या मिलेंगे भी नहीं ऐसे लोग जो आपको ये समझा सके कि ये इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी या लैट्रिन की जगह पे इंजेक्शन लेना बहुत खतरनाक है। तो इस वजह से आप तैयार भी हो जाते हो, वो इंजेक्शन लगवा ही लेते हो, उसके बाद फिर आप इसकी परेशानी झेलते रहते हो। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढ ही रहे हो तो कुछ पहले ये कुछ चीज़ें देख लिया करो, इसके बारे में जानकारी लिया करो और फिर ऐसे इलाज के लिए तैयार। तो आज का वीडियो बस यही समझाने के लिए बनाए। धन्यवाद, थैंक यू।